अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक ट्राई करूंगा, एक रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो कि चैप्टर नंबर 1 है ग्रेड 9 का, जो बुक अभी चेंज हुई है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने बुक चेंज की है। उसके जो चैप्टर नंबर 1 है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो, क्योंकि पहले तो ग्रेड 9 और 10 में नहीं पढ़ाए जाते थे, इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते थे, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि ग्रेड 9 में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये पढ़ लिया है वो रिव्यू कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक वो थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। मैं एक कोशिश करूंगा, एक जो है वो ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन दूंगा इस चैप्टर के हवाले से। सबसे पहले तो रियल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो भी कोई इतने सीधे साधे नहीं है, इतने शरीफ नहीं है, इनमें भी कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स है आती हैं हमारे पास। और वो प्रॉब्लम्स किस किस्म की होती हैं, उन प्रॉब्लम्स का नाम है रेशनल इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो आप कभी कभार आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि रेशनल कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो एक जनरल सी डेफिनेशन पहले मैं ये कह दिया करता था कि अगर दो नंबर्स इस फॉर्म में लिखे गए हैं और कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो वो होंगे रेशनल, और अगर दो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे तो वो कहलाएंगे इरेशनल। ठीक है, लेकिन अब कहानी इतनी नहीं रही, इसमें थोड़ी सी और हमारे पास डिटेल है। और डिटेल इस तरीके से है कि अगर दो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं, ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, दो नंबर्स हैं 3 क्यूब, ये दो नंबर्स आपस में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, ठीक है, ये हम पॉइंट्स लिखते रहते हैं, कंप्लीटली जो हमने चेक करने होंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि नॉट कंप्लीटली डिवाइड। अब नॉट कंप्लीटली डिवाइड को, जैसे कंप्लीटली डिवाइड है ना, तो इसको मैं टर्मिनेटिंग कह सकता हूँ ना, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वो होगा जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो है वो भी अगर होगा तो इसका मतलब है कि क्या होगा, हमारा जो फ्रैक्शन है उसको हम कह सकेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रियल के जो दो पार्ट्स हैं, रेशनल और इरेशनल, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। रेशनल क्या है भाई, अगर पॉइंट्स ये अगर हमारे मैच होते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या तो, या फिर अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन रिकरिंग डेसिमल वाला सवाल है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, रेशनल है, ठीक है। और अगर रेशनल क्या होगा भाई, इरेशनल होगा अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है पहली बात, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी, तो वो क्या होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, तभी हम उसको कहेंगे इरेशनल। अब जो है वो छोटी एग्जाम्पल्स करने के बजाय एक बड़ी एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है ग्लोबली, वो ये है कि पाई जो है हमारे पास, पाई और 22/7, हम अक्सर अपने क्वेश्चंस में पाई की जगह 22/7 को यूज कर लेते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। और 22/7, अच्छा एग्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं है,
22/7 जो है वो रेशनल है और पाई जो है वो इरेशनल है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि पाई को हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये जो है वो इरेशनल है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती है, कहीं कहीं बात आके फंस जाती है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस जो हैं वो इरेशनल होते हैं। और वो कौन से होते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। अब 22/7 को जरा डिवाइड करेंगे, तो 7 3 21, होपफुली ये इसमें आपको इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी। 7 1 7, 7 4 28, 7 14, 7 8 36, ओके जी अब क्या आ गया 40। 7 6 तो होता है क्या 42, 7 5 35। अभी तक तो रिकरिंग नहीं हुआ, यानी रेपिटिशन नहीं आया। आगे देखते हैं, 7 7 49, अब 7 1 7, ठीक है भाई। अब देखना होगा, 7 4 28, गौर से देखना, 7 2 14, ठीक है भाई, 7 8 36, 7 8 36, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या गया, 7 5 45, 7 5 35, 7 7 49, रिपीट होने लग गया। देखो गौर करो, 1 4 2 8 5 7, अगेन 1 4 2 8 5 7, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 22/7 जो है वो हमारे पास कहाँ लाए करेगा, रेशनल के अंदर लाए करेगा। पाई जो है वो रेशनल के अंदर लाए करेगा, और उसकी वजह क्या है, पाई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में देखेंगे ना जब, तो वो आपके पास नॉन रिकरिंग आएगी, रिकर नहीं कर रही होगी, ठीक है। अगर तो रिकरिंग होगी तो फिर उसको क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे, और अगर रिकर नहीं कर रही होगी, नॉन रिकरिंग होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, इरेशनल, ठीक है। 22/7 क्या, 22/7 जो है वो रेशनल है, सही है भाई। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक जो बात है वो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं इसी चीज को थोड़ा सा आपको कंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे, बल्कि ये लिखा हुआ है मैंने कि अगर कंप्लीटली डिवाइड होगी तो वो तो सीधा सीधा रेशनल, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है जैसे कि ये, तो ये भी क्या होगा, रेशनल। और इरेशनल के सूरत में होगा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ठीक है भाई, खत्म नहीं हो रहा है पहली बात, दूसरी बात ये कि रिकर भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, सही है भाई। तो ये हमारे पास जो दो बड़ी मेजर एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको दे दी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ किस किस्म के हैं, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल है या फिर ये नंबर्स जो गिवन है ये इरेशनल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/5 है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करें वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर, वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर रेशनल और इरेशनल।
सो 1/5 को सॉल्व करके देख लेते हैं, 5 to the 10। इसका मतलब है ये क्या हो गया, रेशनल, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया कम्प्लीटली, तो इसको क्या कहेंगे, रेशनल। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं पाई, 1/पाई, एप्सिलॉन, ये सारे के सारे इरेशनल है, याद रखिएगा, ठीक है। 2/8 एक आ रहा है, 2/8 को करके देख लेते हैं, ओके जी, ये भी कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल। रेशनल तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई ये कौन सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिकर जरूर कर रहा है, क्योंकि ये रिकर कर रहा है, इस वजह से इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे रेशनल, ठीक है भाई। अब एक और लास्ट देखते हैं, रेशनल है या इरेशनल है, कैलकुलेशन साथ साथ देखनी है आपको। हाँ भाई, ये भी क्या निकला, रेशनल, क्योंकि रिकर हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज नोन एज रेशनल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब सवाल जितने भी रूट वाले आते हैं, ठीक है, सिवाय परफेक्ट स्क्वायर्स के, बाकी जो रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, मसलन √2, √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414213, आप कैलकुलेटर में दिखाएंगे तो लिखेंगे तो ये आएगा, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बात, दूसरी बात, ये नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब ये हो गया कि इस किस्म के क्वेश्चन क्या होंगे, इस किस्म के क्वेश्चन होंगे इररेशनल। ओके गाइस, आज हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग जो है वो रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा देख सकें, सीख सकें, तो उसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ सा लेक्चर दिया है, द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। इसमें अक्सर बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, तो अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड कैसे होते हैं, सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें, और एवरीथिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एवरी लिटिल डिटेल व्हिच इज अवेलेबल इन योर ग्रेड 9 बुक, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।